हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, क्या आप मुझे बता सकते हो आज जो हमारे सामने एसयूवी खड़ी है वो इतनी स्पेशल क्यों है? यार, ये ऐसी कार है जो आपको पेट्रोल में भी मिलेगी, डीजल में भी मिलेगी, और तो और आपको ये कार इलेक्ट्रिक में भी मिलेगी। तो गाइस, आज हमारे साथ है टाटा की मोस्ट सेलिंग कार, टाटा नेक्सॉन। एंड अब ये कार और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है, बिकॉज अब ये कार आ गई है BS6 फेज 2 अपग्रेड के साथ। तो जो मेजर चेंजेस हुए हैं अंडर द हुड, उसके कारण ये कार अब और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है, और ज़्यादा रिफाइन हो गई है, इसका NVS लेवल और डाउन हो गया है। तो अब जो भी इश्यूज थे कार को लेके, वो सारे इस अपडेट के बाद रिजॉल्व हो गए हैं। एंड ये कार अब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार बन गई है। एंड आज हमारे सामने खड़ा है इसका XZ प्लस लक्स वेरिएंट। एंड इस वेरिएंट में आपको मिलता है लग्जरी, परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी। एंड ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 13.6 लाख ऑन रोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वॉक अराउंड वीडियो। तो इसकी की में आपको लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हैंड लैंप और बूट एक्सेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। काफ़ी स्मार्ट लुकिंग की है इसकी। तो अगर बात करूँ कार के फ्रंट लुक की ना, तो काफ़ी बोल्ड और काफ़ी मस्कुलर कार लगती है ये। एंड ये जो आप एक कलर देख रहे हो ना, रॉयल ब्लू कलर, मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस, बात करें यहाँ पे आपको एक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी, साथ में सेंटर में टाटा का लोगो। एंड इसके नीचे ये क्रोम की गार्निश आपको देखने को मिलेगी। अगर नीचे आए एंड बात करें ग्रिल की, तो ग्रिल में आपको ट्रायरो पैटर्न देखने को मिलेगा। स्किड प्लेट मिलेगी सिल्वर कलर में। साथ ही साथ आपको इस कार में मिलेगा प्रोजेक्टर सेटअप विद DRL। बड़ी जो प्रोजेक्टर सेटअप है ये हाइड्रोजन बेस्ड है, इसमें LED नहीं दी गई है। इसके नीचे ही फॉग लाइट की ब्लेसिंग की गई है। बात करें कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो ये कार आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज डायवर्टर इंजन के साथ आती है, जो आपको निकाल के देता है 88 BHP की पावर और 170 Nm का टॉर्क। तो गाइस, ये ओवरऑल रही इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन। तो गाइस, अब आते हैं कार के साइड प्रोफाइल में एंड देखते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो अगर मैं बात करूं इसके टायर साइज की, तो इसमें आपको 215/60 R16 16 इंच के आपको इसमें टायर साइज मिलता है। एंड जो इसका अलॉय का लुक है वो भी काफ़ी डिसेंट लगता है। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। एंड ये जो वाइट स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है ना इस कार के साथ, वो काफ़ी अच्छी लगती है। एंड ब्लू कलर के साथ उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी मैच कर रहा है। डोर हैंडल इसमें आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं। एंड ORVM में ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसिंग देखने को मिल जाएगी। ये ORVM इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल दोनों हैं, तो आप अंदर से ही ORVM अपने कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं कार की बैक प्रोफाइल में और देखते हैं बैक प्रोफाइल से कार कैसी लगती है। तो ये है कुछ बैक प्रोफाइल लुक। बात करें कार की टेल लाइट की, तो इसमें जो आप स्ट्रिप्स देख रहे हैं ये LED में है। एंड बाकी जो लाइट का सेटअप है वो हैलोजन में ही है। ये है टाटा का जो नेक्सॉन का जो बुक मार्क है ना डिज़ाइन बैक का, वो जो वाइट स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं। सेंटर में आप देखो मिल जाएगा टाटा का लोगो, नेक्सॉन की बैजिंग। बूट एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ दिया है। इसमें आपको मिलता है 350 लीटर का बूट, जो काफ़ी अच्छा है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगा। शार्क पिन एंटीना देखने को मिल जाएगा इस मॉडल वेरिएंट में। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिफॉगर एंड वाइपर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कार रियर प्रोफाइल से कुछ ऐसी लगती है। इस वेरिएंट पे आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती हैं, एंड जो इसके लुक को काफ़ी इन्हांस कर देती हैं। बट ये जो रूफ रेल है ये फंक्शनल रूफ रेल नहीं है। सो ओवरऑल मतलब लाइक लुक तो बढ़िया बना देती है कार का। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में एंड देखते हैं कि ये कार इंटीरियर से कैसे लगती है। तो भाई, कार के इंटीरियर में बेज एंड ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। जो बेज कलर है ना, काफ़ी एयरी फील कराता है कार में। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि कार में कुछ सफोकेशन फील होगी। इस कार में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है एंड ब्लैक कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको थोड़ा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे विंडोज़ के। इसके साथ ही यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको एक ट्विटर के भी दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यार, कार ना ओवरऑल जो मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये बेज कलर की वजह से काफ़ी ज़्यादा एयरी फील हो रही है। एंड मतलब लाइक आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत अच्छी फील हो रही है अंदर से। यहाँ पे आपको सीट एडजस्टेबल का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे ये वेंटिलेटेड सीट के साथ आती है, तो वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। एंड अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि ये कार अंदर से कैसी लगती है एंड क्या फील आता है इसमें अंदर से। तो गाइस, अंदर बैठते ही ना फर्स्ट जो इम्प्रेशन पड़ा है कार का, कार बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है अंदर से। जैसा नाम दिया है ना लक्स, तो ये लग्जरी जो इसको ये सच में ये इसको जस्टिफाई कर रही है। ये कार अंदर से काफ़ी लग्जरी फील होती है। ये जो आप फिनिश देख रहे हो ना डैशबोर्ड में, ये जो फिनिश देख रहे हो यार, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। टायरों का पैटर्न और ये प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ की गई है ना कार में, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ग्लव बॉक्स के साइज़ की बात करूं, तो काफ़ी डिसेंट साइज़ है ग्लव बॉक्स का। ऊपर आपको टैबलेट होल्डर मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको इस ग्लव बॉक्स में कूल ग्लव बॉक्स का फीचर भी मिल जाता है।
सो बात करूँ स्टेयरिंग की गाइस, तो स्टेयरिंग फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। स्टिचिंग क्वालिटी काफ़ी बहुत बढ़िया है इस कार में। यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएंगे, साथ ही क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है, तो यहाँ से आप अपने कार का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ इस कार में आपको देखने को मिलेगा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, नेक्सॉन की बैजिंग, और जो एसी वेंट में क्रोम का यूज़ किया गया ना, काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरियंट में आपको देखने को मिलेंगे, एंड इसके साथ कुछ एडिशनल कंट्रोल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, जैसे बूट एक्सेस करने का, कार लॉक करने का कंट्रोल, तो ये कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप कुछ भी सामान अपना कैरी कर सकते हो। साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी सॉकेट। ये कार 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो इसमें आपको 6 गियर ही कमी फील नहीं होगी जो इसके कुछ कंपिटिटर्स में फील होती है। इसके नीचे ही आपको कार के सारे ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाएगा, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। एंड यहाँ पे जो क्रोम की फिनिश आप देख रहे हो ना यार, गेयरबॉक्स बहुत ही प्रीमियम लग रही है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग देखने को मिल जाएगी। एंड बात करें इसके हैंडरेस्ट की, तो इसके हैंडरेस्ट में आपको ज़्यादा स्टोरेज तो देखने को नहीं मिलेगी, बट आप थोड़ा बहुत सामान इसमें कैरी कर सकते हो। इसमें आपको वायरलेस चार्जर भी मिलेगा, एंड ओवरऑल कार में बैठ के आपको लग्जरी फील होगा, और जो 13.5 लाख रुपये इसमें आप लगा रहे हो वो वर्थ इट होंगे आपके, आपको कहीं से भी रिग्रेट फील नहीं होगा। बात करूं कार में सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है कार में, काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है कार की, एंड वेंटिलेटेड सीट है, तो आपको यार कहीं से भी गर्मी में फील नहीं होने वाला कि जो दिल्ली की गर्मी होती है तो फील नहीं होगी आपको भी गर्मी, बिकॉज वेंटिलेटेड सीट का ऑफर मिल रहा है। और बात तो यार है कार में, तो प्राइस रेंज के हिसाब से लग्जरी भी आपको कार में मिलेगी। बात करें इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ ऊपर आपको LED लाइट दी गई है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल रहा है, एंड यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल रहा है, कोई वैनिटी नहीं मिल रही। को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको कोई लाइट नहीं दी गई। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 ग्रैब हैंडल मिल रहे हैं, पिक ड्राइवर साइड आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया हुआ है। अगर बात करूं कार से विजिबिलिटी की, तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी भी आपको देखने को मिलती है इस कार में। एंड कई लोगों का यार कंप्लेन रहती है कि इसका ए पिलर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन करता है एंड थोड़ा विजिबिलिटी कम करता है, तो वो थोड़ा बहुत तो है, बट जैसे जैसे आप ये कार चलाते हो आप यूज टू हो जाते हो उस चीज़ के, एंड उसके बाद आपको वो इशू फेस नहीं होगा कभी भी। अब चलते हैं कार की रेयर सीट में, एंड देखते हैं कार रेयर सीट में कितनी कम्फर्टेबल है। तो यार अगर मैं बात करूँ ना, तो इस कार में जो आपको विड्थ ऑफर की जाती है ना, वो की जाती है 1811 मिलीमीटर की विड्थ ऑफर की जाती है, एंड व्हील बेस जो इस कार का है वो है 2498 मिलीमीटर। एंड जो व्हाइट कलर आप देख रहे हो ना, जो यूज़ किया गया है यार, ये मतलब लाइक काफ़ी एरी फील कराता है। चलो अब जल्दी से चलते हैं कार के अंदर एंड फिर बात करते हैं। तो इस कार के अंदर का आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। बात करूँ थाई सपोर्ट की, तो थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है कार पे, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसके अलावा पीछे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, बट कोई चार्जिंग ऑप्शन पीछे नहीं दिया गया है। फुल लेदर अपहोस्ट्री दी गई है कार में, एंड यहीं पे आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है, तो जो कार में लग्जरी पोर्शन को थोड़ा और बढ़ाता है। ओवरऑल कार का कंफर्ट बहुत अच्छा है, लेग रूम, शोल्डर रूम, हेड रूम आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है कार में। कार के फ्लोर में आपको थोड़ा सा हम ज़रूर देखने को मिलेगा, बट फिर भी कार में 3 एडल्ट्स आराम से बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती 3 एडल्ट्स को बैठने में। एंड इस कार के सस्पेंशन भी बहुत अच्छे ट्यून किए गए हैं, तो जितनी भी खराब रोड हो आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। रेयर साइड डोर में विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको क्रोम में फिनिश मिल जाएगी, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली अपना प्लेस कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील होगा आपको इस कार में। तो यार नेक्सॉन के इस पर्टिकुलर वेरियंट में आपको परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी तो मिलती है, उसके साथ साथ जो लग्जरी फील होती है ना, वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, एंड ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बन के जाता है ये वेरिएंट। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो।